कई फिल्में जैसे पीके और भी कई फिल्में हैं जिनमें हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई गई, उनकी आस्था को आहत किया गया। आप अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, व्यापार के नाम पर हिंदुओं की आस्था को ठेस मत पहुंचाइए। और जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे, बॉलीवुड फिल्मों का बहिष्कार किया जाएगा। ये हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है। अभी तूने गाड़ी में उंगली किया ना, अभी बताता है भाई। मुझे तो ऐसे लगता है कि भड़काव गैंग की लीला है थोड़ी सी निराली। इनको काला चश्मा भाता है जब सामने आता है कंगना और अक्षय, और इनको बीजेपी का चश्मा भाता है जब सामने होते हैं कोई भी बेहतरीन अभिनेत्री। अब अगर शर्लिन की ही बात कर ली जाए तो शर्लिन अपने आप को तो देखना भूल गई। इनको लगता है कि जो सॉन्ग आया है बेशर्म रंग, उसमें बहुत सारी वल्गैरिटी है, वो आपत्तिजनक है। तो आप अपनी वीडियो को क्या कहेंगे? यही नहीं, अभी और सुनिए। देखिए, अगर आपको उसमें वल्गैरिटी दिख रही है, अगर उसमें आपको आपत्तिजनक सीन दिख रहे हैं, तो आपने खुद क्या किया? ये तो वही बात होगी ना शर्लिन, कि सौ चूहे खाके बिल्ली हज को चली। आवाज़, मैं यहाँ पर बैठकर कह रही हूँ कि हिंदुओं की आस्था को ठेस मत पहुंचाओ। मैंने अपना ईमान नहीं बेचा। बेशर्म रंग जैसे गाने में भगवा रंग को दर्शाने से क्या नतीजा होगा? उनको मालूम था कि देश भर में उनके फिल्म की चर्चा होगी इस बात को लेकर। जानबूझकर किया उन्होंने ये सब। बेनिफिट ऑफ डाउट भी नहीं देंगे आप शर्लिन को। ऐसी हरकत की है। अरे उसमें तो दीपिका ने बहुत सारे कपड़े पहने हैं ना, अलग अलग रंग के पहने हैं। हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। हिंदुओं की भावना को आप ठेस मत पहुंचाओ। क्या बिगाड़ा है हिंदुओं ने आपका? कुछ बिगाड़ा क्या? खामखा उनके पीछे पड़े हो, व्यापार के नाम पर, बिजनेस के नाम पर, कला के नाम पर धर्म का दायरा क्या इतना सीमित हो सकता है कि एक रंग में वो सिमट गया? अगर आपको आस्था को चोट पहुंची है, अगर आप फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, तो उस वक्त कहाँ थी जब मनोज तिवारी का वीडियो शायद से तुमने ठीक तरीके से नहीं देखा। शायद उस वक्त तुमने काले चश्मे पहने होंगे। उसने उसकी वीडियो में वो भगवा रंग का वस्त्र पहना हुआ है, एक साधु खड़ा हुआ है वो भी भगवा रंग के वस्त्र में है, और एक वहाँ पे मॉडल खड़ी है जो बियर पी रही है और कह रही है बियर पी के नाचे छम छम छम। नरुआ अपनी मॉडल्स को, अपनी हीरोइंस को खटिया पे भम भम करता है, उसमें आपको आपत्ति नहीं है? उसमें भगवा का अपमान नहीं हो रहा? रवि कृष्ण रंगीला कर रहा है, उसमें आपको आपत्ति नहीं? जहां आपको नहीं देखना काला चश्मा पहन लेती है, आपके आंखों में पट्टी हो जाती है, लेकिन यही कोई और सामने बेहतरीन अभिनेत्री होती है तो आपको बहुत आपत्ति हो जाती है। देखिए कितना पेट में दर्द हो रहा है शर्लिन के, कितना पेट में दर्द हो रहा है। अब इनको शाहरुख खान से आपत्ति है, तो शाहरुख खान अगर आप उनका बैकग्राउंड देखें तो उनके घर में अगर आप जाते हैं तो मंदिर होता है, और अगर उन्होंने अपनी वाइफ को भी धर्म परिवर्तन के लिए नहीं बोला, और उनका जो बेटा है उनका उनका नाम अब्राहम है, अब्राहिम भी नहीं रखा, तो उनका पूरा का पूरा जो इंक्लाइन है वो हिंदू आस्था पे है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये कह रही है शर्लिन की बहुत ज्यादा आपत्तिजनक है। ये क्या पहली बार हुआ है? क्या कंगना ने धाकड़ में बिकनी नहीं पहनी? क्या कंगना ने इंटीमेट सीन नहीं किए? उस वक्त तो कोई कुछ नहीं बोलता। और मुझे लगता है कि रंग को सिर्फ रंग की तरह देखिए, क्योंकि हर रंग को अगर आप धर्म की तरह देखेंगे तो हर कोई भी रंग नहीं छूटेगा। अच्छा, जाकर दूसरे मजहब पर टिप्पणी देकर देखो, सर तन से जुदा होने का खतरा होता है। तुम्हें इसकी जरूरत है शर्लिन, तुम्हें डेटॉल की जरूरत है, तुम इसे नहाओ, इसे अच्छी तरीके से रगड़ो, क्योंकि इसके तुम्हारे जो दिमाग में कीटाणु है, जो तुम्हारे दिमाग में नफरती चिंटू ने कीटाणु डाल दिए हैं, तुम्हें इसकी बहुत जरूरत है। पट से गांड सोड़।